जय विश्वकर्मा। और दूसरी भी एक घोषणा है, जैसे हमने कहा जय विश्वकर्मा, इतनी ही महत्वपूर्ण है जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। विचार मंच पर बैठे हुए सभी संत महानुभाव, जिनकी वजह से हम पूरे महाराष्ट्र से, पूरे भारत से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनकी प्रेरणा से वो आदरणीय जिन्होंने यह प्रोग्राम करवाने के लिए बहुत ही कष्ट उठाए हैं और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मीटिंग करवाई, तो मेरे मित्र आदरणीय प्रोफेसर नागोजीराव कंकार सर, उनके सभी पूरी व्यवस्था में लगे हैं और नागोजीराव पंचाल साहब के साथ उनके सभी कार्यकर्ता, उनके संगठन के पदाधिकारी और यहाँ सभी इकट्ठे हुए मेरे ओबीसी विश्वकर्मा समाज के बहने और भाई, मेरा परिचय यहाँ पहले ही आपको करवा दिया है। जब मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए पंचायत सर जब आए, तो उन्होंने यह सभी वेरुल में आपने जो क्रांति करके दिखाई, मैं उसको क्रांति कहता हूं, क्योंकि ये जो एलोरा केव्स है वेरुल का, वो बनाने के लिए विश्वकर्मा के पुत्रों ने अपना खून पसीना बहाया है और इतने बड़े पर्वत में सभी की मूर्तियां बनाई, लेकिन अपने भगवान विश्वकर्मा की बड़ी मूर्ति वो नहीं बनवा सके। पत्थर तोड़ के, पत्थर खोद के सभी की मूर्तियां बनाई, लेकिन हमारे विश्वकर्मा की एक बड़ी मूर्ति नहीं बना सके। लेकिन गांव में जो विश्वकर्मा का भगवान का मंदिर था, जो गैर जातियों के लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा था, उस कब्जे को हटाकर आपने भगवान विश्वकर्मा को मुक्त किया, ये इसलिए मैं उसे क्रांति बताता हूं। भारतवर्ष में जब हम कहते हैं कि सृष्टि के निर्माता, जब हम कहते हैं तो पहला नाम तो भगवान विश्वकर्मा का ही आना चाहिए, लेकिन कुछ गैर जाति लोगों ने, अपर कास्ट उच्च जाति के लोगों ने भगवान विश्वकर्मा को दबाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया के बनाने वाले और खत्म करने वाले हैं, इसमें विश्वकर्मा का नाम उन्होंने लिया नहीं, जबकि विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के निर्माता है, उनका कहीं भी नाम नहीं लिया। हमेशा से इस देश में ये कोशिश है कि जो कष्ट करने वाले हैं, जो परिश्रम करने वाले हैं और परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले हैं, दूसरों की भी रोजी रोटी चलाते हैं, हमेशा से उनको दबाया गया है, उनसे काम तो करवा लेते हैं, जैसे कि ताजमहल बनवाया हमारे विश्वकर्मा के पुत्रों ने बनवाया, और ताजमहल बनने के बाद सभी विश्वकर्मा के जो पुत्र थे जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके हाथ कटवा दिए, ये हमेशा से हमारे ऊपर अन्याय होता हुआ, हाथ कटवाने के लिए उनके पास बहुत अलग अलग तरीके है, अलग अलग तरीके है। हमारे अगली पीढ़ी ने प्रगति नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो हमारे बच्चे बच्चों की जो शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है, उसको वो काट देते हैं,
देखो पूरा का पूरा ये जो गांव था ये पूरा विश्वकर्मा के पुत्रों का था, जीवनी केवल होना है। लेकिन आज गांव में जाओ और पूछो कि कितने विश्वकर्मा के पुत्र गांव में है, बहुत कम है। कहां गए लोग? इतना बड़ा पर्वत केवल के रूप में बनाया और उनके अगले पीढ़ी के लोग यहां नहीं है, इस गांव में नहीं है। तो हमारे प्रगति को काटने के लिए उनके पास बहुत बड़ी योजना है। अभी देखो भारतीय संविधान जिन्होंने बनवाया उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। उन्होंने हमें एक नया नाम दिया संविधान में, राज्य घटना में उन्होंने हमें ओबीसी नाम करके दिया, एससी बीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी बीसी शॉर्ट में कहे तो हमें नाम दिया ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। तो जैसे एससी को सहूलियत मिलती है उनके बच्चे आगे जाते हैं पढ़ते हैं, एसटी के आदिवासी के लड़के पढ़ते हैं आगे जाते हैं, तो उसी तरह ओबीसी लोगों के बच्चे पढ़ने चाहिए, उन्होंने आगे जाना चाहिए, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। इसलिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा रखा है। लेकिन हम जागरूक ना होने की वजह से ये हमें नहीं मिल रहा है। जागृति अगर है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले हमारे लोग सोचते थे कि मंदिर में जाने से और भगवान से कुछ मांगने से मिल जाता है। लेकिन आज अगर पार्लियामेंट में हमारे विचार के लोग, हमारे जाति के लोग अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तभी हमारे समाज को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। ध्यान रखिए, खड़े पाटिल जिन्होंने प्रस्तावना की इस प्रोग्राम की, उनके साथ मेरी विस्तार से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, हमारा समाज का इतना बड़ा संगठन है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई मंत्री आता नहीं, आमदार आता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आता नहीं और हमारे तरफ देखता भी नहीं। तो हमारी ताकत तो बहुत है धर्म के नाम से, हमारी ताकत तो बहुत है समाज के नाम से, लेकिन पॉलिटिक्स में हम जीरो है। इसलिए हमारे तरफ कोई आमदार खासदार नहीं आता, एमएलए नहीं आता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आता नहीं, कोई आता नहीं, मंत्री भी नहीं आता, पावर तरफ देखता ही नहीं। तो ये जो ताकत है हमारी समाज की और धर्म की ताकत, वो पॉलिटिक्स में भी बदलनी चाहिए। खड़े बापू ने कहा, खड़े पाटिल ने, पहले हम हमारे ऊपर अन्याय करने वाले जो लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, जो हमें ओबीसी का हक नहीं देते, जो हमें विश्वकर्मा समाज का हक नहीं देते, उनको हमको पराभूत करना है। अगर उनको पराभूत किया तो हमारे लोग पार्लियामेंट में जीत के आएंगे बड़ी संख्या में, वो मंत्री बनेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सहूलियत देंगे, शिष्यवृत्ति देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। आज एससी समाज के लड़के हर साल शासन की तरफ से, शासन की खर्चा से कम 500 लड़के एससी समाज के बुद्धिस्ट समाज के पढ़ने के लिए अमेरिका में जाते हैं और वो सब के सब कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है और वो अपने समाज के लिए काम करता है। हमारे समाज में कितने आईएएस ऑफिसर है, सुधा लोहार सोना कितने आईएएस ऑफिसर है? हमारे जब तक आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बड़े पैमाने में नहीं आएंगे, हमारे जाति से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए चुन के नहीं आएंगे, तब तक हमारा कोई भला नहीं होगा। हम तो ताकत दूसरों को दे देते हैं, हमारे वोट से दूसरे लोग जीत जाते हैं, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं जीत के आते ये सोचना चाहिए। ओबीसी में विश्वकर्मा समाज में बहुत बड़ी ताकत है। 2014 के इलेक्शन में उन्होंने
देखा कि ओबीसी जात हो रहा है, तो ओबीसी जात का पीएम उन्होंने कैंडिडेट बनवाया प्रधानमंत्री पद के लिए। ओबीसी आदमी को उन्होंने खड़ा किया और हम सब ओबीसी ने मिलकर उनको वोट दिया और वो आज प्रधानमंत्री है। लेकिन हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद हमारी जागृति ना होने की वजह से ओबीसी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती थी, चार साल पहले तक 560 करोड़ रुपया हर साल मिलता था, 2015 में 500 करोड़ कर दिए, 2016 में 80 करोड़ कर दिए और आज 2017 में जो पहले 560 करोड़ थी ये 2017 में उन्होंने कर दिया 55 करोड़। हमारी लोकसंख्या है 52%। बजट में हमको कितना मिलता है देखो, आदिवासी समाज की जनगणना होती है, सेंसस होता है, उनकी गिनती की जाती है हर दस साल के बाद, आदिवासियों की, दलितों की, मुस्लिमों की, क्रिश्चनों की, सभी की जनगणना होती है। लेकिन हमारे ओबीसी समाज की, विश्वकर्मा समाज की जनगणना नहीं होती है, सेंसस नहीं होता है, इसलिए हमको देश के तिजोरी में से 52% मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिलता क्योंकि हमारा 52% जो है वो जनगणना होती ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमने पंपलेट बांटे है, ये जो पंपलेट बांटे आप हर के हाथ में दिया है, ये पढ़ो और ओबीसी जनगणना, विश्वकर्मा समाज की जनगणना क्यों होनी चाहिए ये उसमें हमने लिखा है। जिस दिन हमारी जनगणना हो जाएगी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम 52% रहे, 50% रहे, 60% रहे, जो भी है कुछ। 1931 में हम 52% थे, उस वक्त अंग्रेज का जमाना था और अंग्रेज लोगों ने हमारी जनगणना करवाई थी, उस वक्त हम 52% थे। आज अगर हमारी जनगणना कर दी गई तो हम 65% से भी ज्यादा हमारी संख्या होगी और जब पेपर पे संख्या आ जाएगी कि ओबीसी समाज की, विश्वकर्मा समाज की जनसंख्या 60% है, 65% है, अगर एक कागज पे आ गया तो भारत सरकार की तिजोरी में से हमको 60% हमारा हिस्सा उनको देना ही पड़ेगा। अब ये देना नहीं पड़ना चाहिए इसलिए वो हमारी जनगणना नहीं करते, क्योंकि अगर शासन की तिजोरी में से अगर 60% हिस्सा अगर हमारे पॉकेट में आ गया तो वो सोचते हैं कि हमारी मौज मस्ती के कौन से पैसे चलेंगे, क्योंकि जो 60 वर्षों से हमारे आजादी मिलने के बाद अपर कास्ट के लोग जो मौज मस्ती कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे, बंगले बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब किसकी वजह से कर सकते हैं वो? हमारा हिस्सा हमें ना देते हुए वो हमारा हिस्सा चुराते हैं, उसके ऊपर वो मौज मस्ती करते हैं और इसके लिए वो हमारी जनगणना नहीं करते। तो ये जनगणना होनी चाहिए। देखो लिंगायत समाज है कर्नाटक में, कम से कम 50 लाख लोगों ने वहां इकट्ठा होकर लिंगायत धर्म की अलग पहचान होनी चाहिए यह उन्होंने मांग की है। लिंगायत धर्म हमारे जैसा ही बहुजन समाज का धर्म है, जैसे विश्वकर्मा समाज का धर्म है। तो ये जो हमारे बहुजन समाज के जो धर्म है, विश्वकर्मा धर्म है, लिंगायत धर्म है, उधर गोरखनाथ का नाथ धर्म है, इसको हम पंथ बोलते, पंथ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे स्वतंत्र धर्म है और हमारे धर्म जो है ये समतावादी है, ये मातृसत्ताकवादी है। माँ का नाम पहले लिया जाता है हमारे धर्म में।
में। देखो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अपने अपने सरनेम पूछो अपने आप को, सोनोने, देवरे, खैरना, भामरे, सपकाने, पवार, ये सब सरनेम हमारे में रहते हैं, अहिरे वगैरह। तो ये जो सरनेम है ये कुल नेम है, ये कुल माता से आता है। और ये माता जो होती है हमारी कुल माता, ये हमारी मातृसत्ता की रानी थी, तो इसके नाम से हमारा सरनेम आता है। अगर मुझे कोई पूछता है आप कौन है आप, तो मैं कहता हूं मैं देवरे हूं। तो देवरे का मतलब यह है कि देवरे सरनेम की जो कुल माता है वो कुल माता से मेरी पहचान है, वो मेरी आत्म माता है, उससे मेरी पहचान है। तो सभी बहुजन समाज के जितने भी धर्म है, विश्वकर्मा धर्म हो, लिंगायत धर्म हो, ये नाथ धर्म हो, गोरखनाथ का, ये सभी मातृसत्तावादी है। और जो हमारे ऊपर आज राज कर रहे हैं, उनका जो धर्म है वो वैदिक धर्म है, उनका ब्राह्मण धर्म है, वो मातृसत्तावादी नहीं है, वो पितृवादी है, वो पितृवादी है, हम मातृवादी है, इसलिए हम समतावादी है। आज हमारे ऊपर 3% लोग वैदिक धर्म वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमारे विश्वकर्मा धर्म को पहचान देने से इनकार कर रहे हैं। संख्या उनकी 3% है, पूरी सत्ता उनके हाथ में है। हमारे लोगों से कुछ लोगों को उठाकर किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, किसी को एमएलए बना देते हैं और उनको हमारे खिलाफ काम करने के लिए बोलते हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी हो गया, लेकिन ओबीसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अन्याय होने लगे। हमारा 27% आरक्षण उन्होंने 5% तक ला के रख दिया है, 5% तक। जो लड़के हमारे मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ते थे, डॉक्टर बनते थे, जो हमारे लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे, इंजीनियर बनते थे, 27%। लेकिन आज 27% काट के वो 2% तक लाकर उन्होंने काट दिया है और हमको मालूम ही नहीं कहा है हमारी जागृति। केवल धर्म के प्रति नहीं, धर्म के प्रति जागृति होनी चाहिए, समाज के प्रति भी जागृति होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हमारे ऊपर क्या क्या अन्याय कर रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर क्या अन्याय करके कर रहे हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर नहीं बनने देने वाले, हमारे लड़कों को इंजीनियर नहीं बनने देने वाले, ये जो लोग ऊपर बैठे हैं, ये 3% वैदिक धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग हैं। तो इनको पहले हटाना चाहिए और इनको हटाने का एकमात्र अभी एक रास्ता बच गया है, ये वो है कि 2021 में जब जनगणना होगी, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, 2011 में उन्होंने मान्य किया था कि तुम्हारी जनगणना करेंगे, लेकिन नहीं की। पार्लियामेंट ने पूरा सभी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, विश्वकर्मा समाज की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हमारी जनगणना नहीं होने दी वैदिक धर्म वालों ने। अभी 2021 आएगा तो 2019 में जो चुनाव होने जा रहा है, उससे 2019 के चुनाव में सच्चा ओबीसी प्रधानमंत्री, सच्चा विश्वकर्मा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी जो ये बैठा है ओबीसी प्रधानमंत्री, ये सच्चा नहीं है, ये झूठ है, इन्होंने झूठ बोल के हमसे वोटिंग मांगा है, हमने सच्चा कहकर उसको वोटिंग दिया, वो प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हमारे लिए एक भी काम नहीं करता है। तो 2019 में प्रधानमंत्री बनेगा ओबीसी ही बनेगा, लेकिन सच्चा ओबीसी जो हमारे लिए काम करने वाला होगा उसी को ही हम वोटिंग करेंगे, ये हमने अभी निर्णय लेना है। और अपने अपने गांव में जाकर संगठन बनाना है, केवल यहाँ आने से काम नहीं होगा, गांव में काम करना है। केवल विश्वकर्मा समाज नहीं, आपको पूरा 52% ओबीसी समाज का नेतृत्व आपको करना है, हर गांव में जाकर, अपने अपने गांव में जाकर ओबीसी की संगठन बनाओ, उनको उनका प्रबोधन करो,
उनके लिए किताबें लेके जाओ। मैं यहाँ बहुत सारी किताबें लेकर आया हूँ, लेके आया हूँ। सामने जो पेड़ है, पेड़ के नीचे मेरी वाइफ वहाँ पे बैठी है शोभा करके, वो किताबें वहाँ पे बेच रही आपके भलाई के लिए। क्योंकि उनमें वो किताबों में हमने बताया है कि ओबीसी का क्या हक है, ओबीसी को क्या मिलना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, संगठन कैसे करना चाहिए, ये सब मैंने वहाँ किताबों में लिख के रखा है। आप जब जाएंगे तो जाते जाते वो किताब भी आप खरीद कर लेके जाना है। 150 रुपए की किताब जो है वो 100 में मिलने वाली है। तो आप घर में अगर किताबों का अगर कवर है, कपाट है, मराठी में हम बोलते हैं कि जाचा घर पुस्तकांचं कपाट, त्याचं घर कधीच सपाट होत नाही, कधीच सपाट होत नाही। आपली श्रीमंती किती असू द्या, एका पिढीची श्रीमंती दुसऱ्या पिढी पर्यंत जात नाही। तुमची 50 एकर जमीन असेल, दुसऱ्या तिसऱ्या पिढी पर्यंत 2-4 एकर वर येऊन जाते। आणि मग तुमची पुढच्या पिढीतली मुलं कोणी सातारी करतात, कोणी मजुरी करतात, कोणी दुसऱ्याच्या दुकानावर जाऊन भेट बिगारी करतात। श्रीमंती जी आहे जमिनीची पैशाची, ही पुढच्या पिढीपर्यंत त्याच्या पुढच्या पिढीपर्यंत टिकत नाही। पण हे जे ज्ञान आहे, हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञान प्रत्येक पिढीमध्ये वाढत जात असत। जेवढे तुम्ही वाटप कराल तेवढं वाढत जात। म्हणून ज्यांच्या घरात पुस्तकांचं कपाट असतं त्यांचं घर कधीच कपाट होत नाही। त्याचं उदाहरण देतो मी, तुम्ही कुठल्याही बौद्ध माणसाच्या घरी जा, दलित माणसाच्या घरी जा, बौद्ध माणसाच्या घरी जा, त्याच्या घरामध्ये पुस्तकांचं कपाट असतं। आणि म्हणून गेल्या दोन पिढ्यांमध्ये महाराष्ट्रातच सांगतो 25 IAS ऑफिसर बौद्ध समाजाचे आहेत, बौद्ध समाजाचे। आणि IAS ऑफिसर हा जेव्हा कलेक्टर म्हणून आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतो तर पूर्ण जिल्हा त्याच्या ताब्यात असतो, त्या जिल्ह्याचे सगळे भूखंड त्याच्या ताब्यात असतात। हा भूखंड कोणत्या जातीच्या लोकांना द्यायचा आणि कोणत्या जातीच्या लोकांना नाही द्यायचा याचा निर्णय कलेक्टर करतो। करोडो रुपयांचे अधिकार त्याच्याकडे असतात। तुम्ही शाळा करायला मागणी करा, जर विश्वकर्मा समाजाचा जर कलेक्टर असेल तर तो कलेक्टर म्हणे माझ्या विश्वकर्मा समाजाच्या हायस्कूलच्या बिल्डिंगसाठी 5 एकर जमीन मी देतो, फुकटात देऊन टाकतो। आतापर्यंत या वरच्या जातीच्या लोकांनी असे सगळे अधिकाऱ्यांचे अधिकार फुकटात लुटले। सरकारची तिजोरी जी आम्ही भरतो, सरकारची तिजोरी कोण भरतो? आपण भरतो। आणि ती तिजोरी लुटण्याचं काम हे सगळे वरच्या जातीचे लोक करतात। आता ही सगळी तिजोरी जर आपल्याला ताब्यात घ्यायची असेल तर आपल्याला पार्लमेंट मध्ये आपल्या जातीचे, विश्वकर्मा समाजाचे, ओबीसी जातीचे, आपल्या विचारांचे लोक पार्लमेंट मध्ये गेले पाहिजेत। जेव्हा पार्लमेंट नव्हतं तेव्हा आपण मंदिरात जात होतो देवाकडे मागणी करायला, देवा माझ्या पोराला पास करून दे, देवा माझ्या मुलीला चांगला नवरा मिळू दे, जाऊ चांगला मिळू दे, हे आम्ही आधी देवाच्या मंदिरात जाऊन मागणी करायचो। आता मागणी करण्यासाठी विधानसभेवर आणि पार्लमेंटवर मोर्चा काढावा लागतो। आता तिथे आपल्या मागण्या मान्य होतात, तिथे आपल्याला जे पाहिजे ते मिळतात। लक्षात घ्या, आपण जेव्हा जावळी शोधायला जातो तर पहिली अट आपली काय असते? मुलगा नोकरीला पाहिजे, मग तो 2000 रुपये, 5000 रुपये एका नोकरीचा पगार असेल, पण जावळी मला नोकरी करणारा पाहिजे। अरे तुमचा 27% आरक्षण ज्याच्यामुळे आपल्या मुलांना नोकऱ्या मिळतात, ज्याच्यामुळे आपल्या मुलींना नोकरदार, पगारदार, जावळी मिळतो, हे आरक्षण 27% जर 2% करून टाकलं असेल आणि पुढे पुढे ते बंद होऊन जाईल तर तुमची मुलं शिकू शकणार नाही, नोकरीला लागू शकणार नाही। आणि जर नोकरीला जर मुलं तुमची लागली नाही तर तुम्हाला तुमच्या मुलीसाठी नोकरीवाला जावळी करून मिळेल। मग तुम्हाला एखादा बिगारी काम करणारा एखादा मुलगाच तुम्हाला जावळी मिळेल, शेतावर कुठेतरी राहणाराच मुलगा तुम्हाला जावळी मिळेल। आणि येत्या काळामध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतायत, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतायत, काही वर्षांनी कारागीर हे पण आत्महत्या करायला लागतील।
आणि मग आपल्या मुलीला जेव्हा आपण जावई करून घेऊ तो सुद्धा त्या आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये असणारच आहे, असणारच आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होतात आता आपल्या बौद्ध समाजाच्या लोकांच्या. आणि मग आपण जो जावई मुलीला करून देऊ तो जावई जर आत्महत्या करणारा असेल तर आपली मुलगी विधवा होणार. पुढची परिस्थिती सांगतोय मी 10 वर्षात काय करतोय ते मी तुम्हाला सांगतोय. आपल्या मुली जर विधवा होऊ द्यायच्या नसतील, आपले जावई जर आत्महत्या करायला लावायचे नसतील, तर आपले जे आरक्षणाचे हक्क आहेत, आपले जे जनगणना करण्याचे जे हक्क आहेत ते आपण मिळवले पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे. जेवढ्या संख्येने तुम्ही इथं येतात धार्मिक जागृतीसाठी, सामाजिक जागृतीसाठी, तेवढ्याच संख्येने तुम्ही पार्लमेंटवर जर मोर्चा काढला तर तिथं आला पाहिजे. तर तिथं मारण्या मंजूर होणार आहे, तिथे आपले हक्क मिळणार आहेत. आणि तेवढा जर तुम्ही जागृती दाखवली तर तुमच्या जातीचे लोक तिथे पार्लमेंट मध्ये बसणार आहेत. आणि जर आपल्या जातीचे लोक पार्लमेंट मध्ये जर मोठ्या संख्येने बसले तर आपल्याला मोर्चा काढायची गरज नाही, आपल्याला कुठे काही मिळावे याची गरज नाही. आपण जे तिथे लोक पाठवू ते लोक आपल्यासाठी काम करतील, आपलं आरक्षण वाढवण्यासाठी काम करतील. पण हे केव्हा होईल? जेव्हा आपलं संघटन वाढेल तेव्हा. आपलं संघटन वाढलं पाहिजे, जागृती वाढली पाहिजे. इथून जाताना प्रत्येकाने निश्चय करायचा आहे की मी माझ्या गावात गेल्यानंतर मी ओबीसी विश्वकर्मा समाजाचं संघटन करणार. नाव द्या ओबीसी विश्वकर्मा युवा संघटना, काय नाव द्या. आता याच्या पुढे विश्वकर्मा वंशीय समाज महामेळावा असं लिहिण्याच्या ऐवजी ओबीसी विश्वकर्मा वंशीय समाज महामेळावा. तुम्हाला ओबीसीचं नेतृत्व करायचं आहे, फक्त विश्वकर्मा समाजाचे पूर्ण ओबीसी समाजाचे. आणि तो पूर्ण ओबीसी समाज जो आहे, केली माळी नावी कोळी धोबी सुधार धनगर पाथरवट हे सगळे जे आहेत हे सगळे ओबीसी आहेत, त्यांचं नेतृत्व विश्वकर्मा समाजाला करायचं आहे. आणि म्हणून इथं आता ओबीसी शब्द पुढे लागला पाहिजे. ओबीसी विश्वकर्मा युवा संघटना, ओबीसी विश्वकर्मा वंशीय समाज संघटना प्रत्येक गावाला स्थापन झाली पाहिजे. इथं जागृती मिळावी येते पाहिजे. आणि 2019 पर्यंत अशी ताकद निर्माण झाली पाहिजे की प्रत्येक राजकीय पक्षाने 2019 निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्याने स्पष्ट लिहिलं पाहिजे, जाहीरनाम्यामध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाने, की जर आमचं सरकार जर सत्तेवर आलं तर 2021 ची जी जनगणना आहे त्या 2021 जनगणनेमध्ये ओबीसी विश्वकर्मा समाजाची सुद्धा आम्ही जनगणना करणार. जाहीरनाम्यामध्ये त्या राजकीय पक्षांनी लिहिलं पाहिजे 2019 निवडणुकांमध्ये. मग जो पक्ष सत्तेवर बसेल त्याला मग जाहीरनाम्याची आठवण आपण करून देणार आणि सांगणार की तुम्ही आमच्याकडे सत्तेवर बसले आहे, तुम्हाला ओबीसीची विश्वकर्मा समाजाची जनगणना करावीच लागेल. आणि 2019 जनगणना जर दाखल झाली तर आपली लोकसंख्या 52%, 60%, 65% निश्चित जास्त कमी आहे. आणि जेव्हा कागदावर ही आकडेवारी येईल त्यावेळेस सरकारच्या तिजोरीमधून कोणालाही काही न सांगता, कोणाकडे काही मागणी न करता, नियमप्रमाणे राज्यघटनेच्या नियमाप्रमाणे ज्यांची लोकसंख्या 60% आहे सरकारी तिजोरीमधून त्यांना 60% रक्कम दिलीच पाहिजे त्यांच्या विकासासाठी. मग त्या पैशातून तुम्ही शाळा स्थापन करा, त्या पैशातून महामंडळ स्थापन करा, त्या पैशातून आपले उद्योग स्थापन करा. तुम्ही आता त्या ओबीसी महामंडळकडे जातात, ओबीसी आर्थिक महामंडळकडे जातात, कर्ज मागतात, किती देतात ते तुम्हाला 10,000, 15,000, 20,000 देतात. जर आपल्याला सरकारी तिजोरीमधून जर 60% रक्कम जर मिळाली तर या ओबीसी महामंडळकडे तुम्ही जेव्हा अर्ज घेणार की साहेब मला उद्योग टाकायचा आहे, मला धंदा टाकायचा आहे, मला कर्ज द्या, मग ते म्हणतील किती मागितलं तुम्ही, तुम्ही म्हणाल 2 लाख, आणि 2 लाख काय मागतो, 20 लाख माग, भरपूर पैसे पडलेले आहेत ओबीसी महामंडळाकडे, भरून सगळे मंजूर होणार आहेत. कारण आपली लोकसंख्या 60% आहे आणि त्या तिजोरीमधून ती सगळी रक्कम आपल्या ओबीसी महामंडळच्या तिजोरीमध्ये येईल. तुम्ही 2 लाख मागा, ओबीसी महामंडळ तुम्हाला 20 लाख रुपये देईल. आणि मग आपले उद्योग उभे राहतील, मग आपले उद्योगपती उभे राहतील आणि ते उद्योगपती आपल्या समाजासाठी पैसे देतील. जसे इथं आपले बापू बसले होते, महेंद्र बापू बसले आहेत, हे समाजाला का मदत करू शकले? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांच्यामध्ये जाणत आहे की माझ्याकडे जो पैसा जमा झालेला आहे त्याच्यावर माझ्या समाजाचा सुद्धा हक्क आहे.
ही जाणत त्यांनी ठेवली. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी कष्टाने कमवलेला पैसा आहे आणि म्हणून ते समाजाला देऊ शकते. तुमच्यामध्ये जर 10 उद्योगपती जरी का झाले ओबीसी महामंडळाच्या कर्जातून 10 जरी उद्योगपती तुमच्या तयार झाले तर ते 10 उद्योगपती असे 10 नाही 100 विश्वकर्मा समाजाचे असे मोठमोठे मंदिरं बनवतील. त्याच्यामुळे आणखी पुन्हा समाजाची ताकद वाढेल, संघटन वाढेल. तर हे जे काही सगळं उभं राहत आहे हे उद्योग केल्यामुळे होतोय आणि तो उद्योग आपल्याला करता आला पाहिजे. म्हणून सरकारी तिजोरीमधून आपल्याला पाहिजे तेवढं कर्ज मिळवता आलं पाहिजे आणि ते आपल्या हक्काचं आहे. ही भीक नाही आहे, ही भीक नाही आहे. आमच्या पूर्वजांनी खूप काम केलेलं आहे, पूर्वी जनजागृती केलेली आहे, संघटन केलेलं आहे 4 वर्षा पूर्वांनी. आणि म्हणून आज आम्हाला जे काही आम्ही जे सुटाफुटामध्ये फिरतो आहोत ना, ही आमच्या आधीच्या पिढीच्या लोकांनी केलेलं काम आहे. त्याच्यामुळे आम्ही सुटाफुटामध्ये फिरतो आहोत. नाही तर आपली अवस्था काय होती हे मी सांगण्याची गरज नाही. खेडेगावमध्ये तुम्ही आज जाऊन बघा सुतारवा समाजाची काय अवस्था आहे, वाईट अवस्था आहे. कारण मार्केटमध्ये सगळे टाटा आणि बाटाचे सगळे अवजार आलेले आहेत. कोणी सुतारकडे कोणी लोहारकडे जात नाही वस्तू बनवण्यासाठी, शेतीचे अवजार बनवण्यासाठी कोणी लोहाराकडे जात नाही, सुताराकडे जात नाही. रेडीमेड बाजारामध्ये मार्केटमध्ये येतात ते आपण विकत घेतो. सगळ्या सुतार लोहार वगैरे सगळ्यांचे धंदे बुडालेले आहेत. गावाकडे अक्षरशः भिकारी अवस्था आहे. पूर्वजांची पुण्याई संपत आलेली आहे, ती पुन्हा पुण्याई कमवण्यासाठी आपल्या पिढीला काम करावं लागेल. आपली पिढी जेव्हा काम करेल तेव्हा पुढच्या पिढीला ती पुण्याई खर्च करता येईल. आज तुम्ही कमवणार, पुढची पिढी ती खर्च करू शकेल. तर आज तुम्हाला थोडाफार त्याग करावा लागला, केला पाहिजे. इथं तुम्ही स्वतःच्या खर्चाने आलेले आहात. तसंच तुम्ही राजकीय जागृतीसाठी जेव्हा जेव्हा कुठे जावं लागलं, मेळावा म्हणा, पुटांची काही संघटन म्हणा, काही म्हणा, तिथं तुम्हाला स्वतःच्या खर्चाने जावं लागणार आहे. आणि गेलं पाहिजे तर ही जागृती दिसते. लक्षात घ्या, ओबीसी समाजाला जे काही थोडंफार मिळालेलं आहे ते मागच्या पिढीने जागृतीचं काम केलं म्हणून मिळालेलं आहे. पण जेवढी जागृती तेवढंच मिळेल. आणि ती जागृती खर्च होऊन गेली, ती पुन्हा खर्च होऊन गेली की पुन्हा आपली वाईट अवस्था होते. 27% आरक्षण मागच्या पिढीने तुम्हाला मिळून गेलेलं होतं. 27% आरक्षण या पिढीने काहीच काम केलं नाही म्हणून 27% आरक्षण 2% अजून गेलेलं आहे. आणि तुम्ही जर काहीच काम केलं नाही तर पुढच्या पिढीला 0% आरक्षण मिळेल, 0 राखीव जागा मिळतील. जेवढं काम करू जेवढी जागृती आपण तेवढंच मिळणार आहे, लक्षात घ्या. तर माझी विनंती आहे पुन्हा केव्हा तरी मी विस्ताराने बोलेल. आज वेळ कमी आहे त्यामुळे फारसं काही मांडणी करत नाही. पण तुम्ही जर गावाकडे जिल्हा मेळावे घेतले तर मी पूर्ण माहिती देण्यासाठी मी तिथे येईल. मी माझ्या स्वतःच्या खर्चाने येईल, तुमच्याकडनं पैसे मागणार नाही. पण ही जी काही मी माहिती देतो आहे ही माहिती तुम्हाला सांगणारे लोक फार कमी आहेत.